हेलो दोस्तों, ई डेली चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ मार्केट मिल्क। मार्केट मिल्क वे मिल्क हैं जो डिफरेंट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के बाद हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मार्केट मिल्क में एक प्रॉपर फैट एंड एसन ऑफ स्टैंडर्ड होता है जो कि थ्रू आउट इंडिया सेम होता है। ये स्टैंडर्ड FSSAI द्वारा दिए जाते हैं और इनका पालन करना सभी मार्केट मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्लांट के लिए ज़रूरी होता है और साथ ही इन्हें लेबल पर मेंशन करना भी ज़रूरी होता है। अब देखेंगे जनरली मार्केट में कौन कौन से मार्केट मिल्क अवेलेबल होते हैं। स्टैंडर्डाइज मिल्क, इसमें मिनिमम फैट 4.5% और सोल नॉट फैट 8.5% होनी चाहिए। टोन मिल्क, जिसमें मिनिमम फैट 3% और सोल नॉट फैट 8.5% होती है। डबल टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क में फैट मिनिमम 1.5% और एसएनएफ मिनिमम 9% होती है। स्किम्ड मिल्क, जिसमें फैट नॉट मोर देन 0.5% और मिनिमम सोल नॉट फैट 8.7% होती है। फुल क्रीम मिल्क, इसमें मिनिमम फैट 6% और सोल नॉट फैट 9% होती है। और इसके अलावा अगर कोई मिल्क सेल कर रहा है बिना किसी इन मिल्क स्टैंडर्ड के इंडिकेशन के, तो उस पर बुफलो मिल्क स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। इंडिया में स्टैंडर्ड के हिसाब से बुफलो मिल्क में फैट 5-6% और SNF 9% मिनिमम होनी चाहिए। इंडिया के कई राज्यों में बुफलो मिल्क फैट स्टैंडर्ड 6% है, जैसे उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र। और जबकि बाकी राज्यों में बफलो मिल्क में 5% फैट अनिवार्य होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।